खबर है दिल्ली के नजफगढ़ से, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जिसका आयोजन इस बार हरियाणा के पंचकुला में 3 से 13 जून तक आयोजित खेल में नजफगढ़ से दिल्ली राज्य सरकार की ओर से प्रतिभागी रहे 5 विजेता खिलाड़ी, जिसमें कुमारी राधिका स्वर्ण पदक, गर्व कुमार सिल्वर पदक, कुमारी प्रिया आकाश व पापाई सरकार ने कांस्य पदक जीतकर सभी को किया करवानी। इस सभी विजेता खिलाड़ियों व कोच की वापसी पर उनके प्रोत्साहन हेतु नजफगढ़ टैलेंट सर्च स्पोर्ट्स एकेडमी के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। आज का ये टैलेंट स्पोर्ट्स सर्च एकेडमी के माध्यम से जो अनिल सर ने जो सम्मान समारोह रखा है, जो खेलो इंडिया के माध्यम से इस एकेडमी के 12 बच्चे खेलो इंडिया में गए, हमारे लिए और इस देहात के लिए बहुत गर्व की बात। मैं बहुत खुश हूँ और हम सभी खुश हैं कि हमारे सर ने इतनी मेहनत करी और हम मेडल लेके आए हैं। हमें प्राउड है अपने ऊपर, हमारे कोच को प्राउड है, दिल्ली के लिए खेल के आए, हम दिल्ली को रिप्रेजेंट करा, बहुत खुश हैं हम इस चीज़ को। देखिए, पंचकुला में जो ये खेलो इंडिया का कार्यक्रम आयोजित हुआ था, इसमें हमारे गोपाल नगर से टैलेंट सर्च अकेडमी के बच्चे, 5 बच्चे जो कि गोल्ड सिल्वर और ब्रोंज लेकर आए हैं, ये यकीनन हमारे लिए सभी के लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के बच्चों ने मतलब दूसरे स्टेट में जाके हमारा नाम रोशन किया है, जिसमें से कि जो प्रथम पुरस्कार पाने वाली हमारी एक बिटिया है, और ये हमारे पूरे नजौट के लिए गर्व की बात है। और ख़ासकर मैं इस समय पर धन्यवाद देना चाहूँगा अनिल भाई का, जो यहाँ के कोच हैं और उनकी मेहनत रंग ला रही है, हर दिन ब दिन, महीने दर महीने, कॉम्पिटिशन दर कॉम्पिटिशन, नए नए मेडल यहाँ पर बच्चों के आ रहे हैं, और मेरे को इनकी शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं, बड़ी जल्द ही हम एक इंटरनेशनल मेडल इस अकेडमी से देखेंगे। जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट आज किया उन सभी को शुभकामनाएं, उनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं, साथ में हमारे टैलेंट सर्च अकेडमी के बच्चों ने जो आज 5 मेडल जो जीत के लेकर आए हैं, उम्मीद करेंगे आने वाले भविष्य में 50 मेडल भी इसी अकेडमी के जीते हुए हो और इस क्षेत्र का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हमें पूरी उम्मीद है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ, जो बच्चे गोल्ड मेडल लेके आए हैं, सिल्वर मेडल लेके आए हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करके आए हैं, उन सब के बीच में बच्चों की तो मेहनत है ही है, उनसे ज़्यादा मेहनत कोच साहब की है, जो कोच साहब ने इनको इतने अच्छे से ट्रेनिंग दी, जिनका नतीजा इन्होंने हमारे सामने आज प्रस्तुत। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि पहली बार एक तो हमारे नजरगढ़ देहात में कोई जल्दी से तो खेलता नहीं है, और खेलता तो उसका मेडल नहीं आता, बट अब की बार खेलो इंडिया में हमारा गेम जो इंक्लूड हुआ है, 5 गेम इंक्लूड हुए थे, जिसमें हमारा खुद का गेम भी है जो नॉर्थ ईस्ट का गेम है जिसे हम बोलते तांग था, ये भी इंक्लूड किया गया, इसमें हमारे 12 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और वो भी सारे ऑल ओवर दिल्ली में से 12 बच्चे यहीं के थे, अपने सेलेक्टेड प्लेयर थे, और 12 में से 5 बच्चों की प्लेस आई, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है और सब ने मेरा अच्छे से सपोर्ट किया। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,